क्या आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले चाइनीज मांझे की वजह से कुछ लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे हादसे हर साल होते ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा इंडिया में कहीं ना कहीं बिकता ही रहता है। अब जैसे ही 14 और 15 जनवरी आने वाली है, यानी कि पतंगों का त्योहार आने वाला है, तो कई लोग इस चाइनीज मांझे को खरीदते और बेचते भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चाइनीज मांझे को कब का बैन कर चुकी है, क्योंकि ये मांझा जानवरों के लिए तो खतरनाक है ही, बल्कि ये तो इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी बनावट एक पॉलीप्रोपाइलीन सिंथेटिक फाइबर से होती है, जिसमें ग्लास पाउडर भी मिलाया जाता है, और ये आम कॉटन के धागे से 3 गुना कम दाम पे बिकता है। यानी कि चाइनीज मांझे का नाम ही सिर्फ चाइनीज है, लेकिन इसकी बनावट इंडिया में ही होती है।